राजधानी दिल्ली से बताने, जहां पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 5 कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस ने 5 कुख्यात गैंगस्टर के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पहली बार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गैंगस्टर्स के करीब 200 सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए हैं। पुलिस का पहला ऑपरेशन जलंधर पंजाब में चला। पुलिस की टीम ने वहां से एक लेडी डॉन और उसके साथी को गिरफ्तार किया। गैंगस्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने चलाया नो नेम नो फेम ऑपरेशन। पांच स्पेशल ऑपरेशन के बाद 16 गैंगस्टर गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली में डर का धंधा करने वालों की खैर नहीं। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के इसी धंधे पर सीधा चोट किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत न सिर्फ गिरफ्तारियां हुई बल्कि गैंगस्टरों के 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद किए गए। ये वो सोशल मीडिया अकाउंट थे जिसे देखकर युवा प्रभावित होकर जुर्म की दुनिया में कदम रखने की चाहत रखते थे, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इस स्पेशल ऑपरेशन के तहत 16 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार हुए 16 में 5 ऐसे अपराधी हैं जो बिल्कुल नए हैं। इनके खिलाफ कहीं भी मामला दर्ज नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन 5 अपराधियों ने गैंगस्टरों के सोशल मीडिया अकाउंट देखकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गैंगस्टरों के करीब 200 सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए। दिनों में 5 ऑपरेशन चले हैं। इन 5 ऑपरेशंस के अंदर टोटल 16 पर्संस गैंगस्टर्स अरेस्ट किए गए हैं, और जिसमें 10 पिस्टल, 56 राउंड और एक मैगजीन रिकवर हुई है। ये कंप्लीट जो ऑपरेशन है, इनमें एक ऑपरेशन 15 तारीख का है, 15 जून का। इसके अलावा रिमेनिंग जो 4 ऑपरेशन है, पिछले 1 या 2 दिन के ही हैं ये सारे ऑपरेशन। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से गैंगस्टर्स के मैसेज आ रहे हैं, या वो अपने फैन फॉलोइंग उन्होंने बना रखी है, जिसके बहुत से यूथ वगैरह उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ग्लैमराइज वो वीडियो पिक्चर डालते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको देखते हुए हमने काफी स्पेशल सेल की तरफ से भी काफी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए गए हैं और उनको बैन करवाया गया, बंद करवाया है उनको। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से गैंगस्टर्स के मैसेज आ रहे हैं, या वो अपने फैन फॉलोइंग उन्होंने बना रखी है, जिसके बहुत से यूथ वगैरह उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ग्लैमराइज वो वीडियो पिक्चर डालते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको देखते हुए हमने काफी स्पेशल सेल की तरफ से भी काफी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए गए हैं और उनको बैन करवाया गया, बंद करवाया है उनको। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुल 5 ऑपरेशन किए। पंजाब के जलंधर में हुए ऑपरेशन के तहत पुलिस की टीम ने वहां से एक लेडी डॉन और उसके साथी को गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगा कि उन्होंने विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के लिए 3 नए लड़कों को रिक्रूट किया है। उसके बाद पुलिस ने दिल्ली के कश्मीरी गेट से उन 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पिछले 1 महीने में जिस तरीके से खास तौर से पश्चिमी दिल्ली में आपराधिक वारदातें हुई हैं, गैंग वॉर हुई है, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 5 ऑपरेशन को अंजाम दिया। 21 तारीख को चला है ये ऑपरेशन, 21 जून को। इसके अंदर 2 गैंग मेंबर, जिनमें एक लेडी भी है, इनको जालंधर पंजाब के अंदर ऑपरेशन चलाया गया और जालंधर पंजाब से इनको पकड़ा गया है, और इन्हीं के इंस्टांस के ऊपर फर्दर कश्मीरी गेट से 3 नए रिक्रूट जो हो रहे थे उनको भी इसके अंदर पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया 21 की नाइट को इनके इंस्टांस के ऊपर। गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रहार जरूरी था, इसीलिए पुलिस ने उनके अकाउंट को बंद कराया। इससे अब ना तो गैंगस्टरों के नाम लिए जाएंगे और ना ही उनके गुर्गों के जुर्म की दास्तान का बखान होगा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस आगे भी गैंगस्टरों के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने की कोशिशों में लगी है। ऑपरेशन नो नेम नो फेम के तहत पुलिस की एक टीम गैंगस्टरों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखेगी और उन्हें ब्लॉक करवाएगी। We'll be right back.